24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 45,000 से ज्यादा केस, 500 मरीजों की मौत, दिल्ली समेत कई राज्यों में बिगड़े हालात, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। हरियाणा में भी कोरोना के केस में तेजी से बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री बोले दिल्ली के फैसले के बाद लॉकडाउन पर होगा विचार, गुरुग्राम फरीदाबाद के हालात फिर बिगड़े। शाम 5 बजे कोरोना को लेकर प्रदेश की जनता से करेंगे संवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ताजा हालात की देंगे जानकारी, आगे की रणनीति पर भी करेंगे बात। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाली लैब का भंडाफोड़, सीएम फ्लाइंग ने गुरुग्राम से दो लोगों को किया गिरफ्तार, दिल्ली की लैब से करवाते थे फर्जीवाड़ा, 5,000 में देते थे नेगेटिव रिपोर्ट। गेहूं का सीजन शुरू होते ही बढ़ी यूरिया की कालाबाजारी, रतिया में 300 बैग के साथ पंजाब के किसान काबू, कृषि विभाग के अधिकारियों ने की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में, साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र से इस आयोजन में शामिल हुए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सख्ती के मूड में हैं और इसके चलते अब अनिल विज ने पूरे प्रदेश में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कड़े आदेश दिए हैं। अनिल विज ने बताया कि उन्होंने आदेश दिए कि वो अपने अपने इलाके में होने वाली हर गतिविधि, फिर चाहे धार्मिक हो, सामाजिक, इंडस्ट्रियल पर नजर रखेंगे, भीड़ इकट्ठी ना होने दें और नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। विज का कहना है कि कोरोना से बचने के दो तरीके हैं, जिसमें पहला लॉकडाउन और दूसरा सख्ती है, फिलहाल वो सख्ती के मूड में है। हरियाणा में कोरोना से लड़ने के पूरे बंदोबस्त है, लापरवाही होने पर निजी अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। कपिल सिब्बल के बयान पर अनिल विज ने कांग्रेस को जमकर के घेरा है। विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर है और जब कोई पार्टी टूटने की कगार पर होती है तो उसके नेता कलाबाजी खाने लगते हैं। बरोदा विधायक इंदुराज ने सरकार पर इलाके में सभी विकास कार्य रुकवाने के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर के विज ने कहा कि ये काम कांग्रेस किया करती थी, अब हम 90 हलकों में समान विकास करवा रहे हैं। कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को विज ने होम मिनिस्टर डेस्क से नवाजने का फैसला लिया है, जिसके लिए विज ने विभाग को पत्र भी लिखा है, लेकिन डेस्क के साथ कर्मियों को आर्थिक क्या लाभ दिया जाए इस पर फैसला भी मुख्यमंत्री की तरफ से बाकी है। हरियाणा के 3,206 निजी स्कूलों के स्थायी मान्यता को एक्सटेंशन देने की मांग को लेकर के बल्लभगढ़ में निजी स्कूल संचालक कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले, कैबिनेट मंत्री ने मदद का भरोसा दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान की माने तो पिछले साल एक्सटेंशन मिल गई थी, लेकिन अब लाखों बच्चे एक्सटेंशन न मिलने की वजह से अधर में लटके हुए हैं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से गुहार लगाई गई है कि उनकी मदद की जाए। मेवात पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाले 5 सालों में आईएमटी रोजका मेव प्रदेश का सबसे खुशहाल आईएमटी होगा। इसके अलावा आईएमटी रेजका मेव में हाल ही में 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी गई है। उपमुख्यमंत्री से चौटाला ने कहा कि सरकार ने राज्य के 75% युवाओं को निजी फैक्ट्री में नौकरी के लिए कानून बनाया है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी द्वारा युवकों को स्किल में हुनरबंद बनाया जाएगा ताकि यहां के बच्चे भी तेजी से रोजगार प्राप्त कर सके। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पानी नौकरी और ड्राइविंग लाइसेंस सहित यहां की कई मांगे बहुत पुरानी हैं, इस जिले को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा, बैकवर्ड से इस जिले को फॉरवर्ड बनाने का काम उनकी सरकार करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नगीना खंड के गांव में 150 करोड़ की परियोजना से लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, 135 करोड़ की लागत से इस जिले में डेंटल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, 400 करोड़ से अधिक रुपए की राशि सड़कों के निर्माण पर खर्च की गई है। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फाइन टीमों ने ऐसे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है जो चंद आरोपियों के लालच में कोविड पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव देता रहा, फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले 2 गिरफ्तार किए गए। कीर्तिनगर इलाके से कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव बनाकर के ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था, आरोपी 1,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना रिपोर्ट दे चुके हैं, लोगों से करीब 2 से 5,000 रुपए प्रति रिपोर्ट के हिसाब से लिए जा रहे थे। डायनेक्स एंड
पैथ लैब से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोपी डायनेक्स एंड पैथ लैब की रिपोर्ट बनाते थे। पुलिस ने सेक्टर 40 थाने में केस दर्ज किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भिवानी में कोरोना से एक और मौत हो गई है। भारत नगर निवासी एक व्यक्ति की जान चली गई है। मृतक की उम्र करीब 61 साल बताई जा रही है। भिवानी के सिविल अस्पताल में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब बनकर के तैयार हो गई है, लेकिन लैब में टेस्टिंग के लिए अभी स्वास्थ्य विभाग के पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। इसके कारण लैब में कोरोना सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। पिछले एक महीने से लैब का निर्माण कार्य चल रहा था। लैब में सभी जरूरी मशीनें और चीजें लगाई जा चुकी है। लैब पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गई है और स्टाफ के लिए निदेशालय को सूचना भी भेज दी गई है। लैब में कोरोना सैंपल के आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, जिसकी रिपोर्ट उसी दिन मिलेगी। और लैब में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता हर रोज 1000 सैंपल की रहेगी। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों की गेट मीटिंग में हड़ताल को लेकर के रणनीति पर चर्चा की गई। 26 नवंबर की हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। 26 नवंबर की हड़ताल को किस तरह सफल बनाया जाए, इसको लेकर के रोडवेज कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का आयोजन बस स्टैंड में किया था, जिसमें सभी रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारी तालमेल यूनियन के प्रधान ने बताया कि सरकार लगातार रोडवेज सहित बाकी विभागों को बेचने का काम कर रही है और इसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू किया है। कुछ व्यापारी फर्जी फॉर्म बनाकर कागजों में ही खरीद फरोख्त कर रहे हैं। गोहाना में जांच के दौरान एक फर्म कागजों में चलती हुई मिली। इस फर्म ने करोड़ों रुपयों की खरीद फरोख्त करने के बाद जीएसटी जमा नहीं कराया, जो करीब 30 लाख रुपए बनता था। आबकारी विभाग और कराधान विभाग के अधिकारियों की टीम जब जांच करने के लिए कार्यालय पर गई तो वहां कार्यालय में कोई नहीं मिला। अधिकारियों ने जब जीएसटी अकाउंट नंबर की जांच की तो कई चीजों के बिल कटे हुए मिले। इसका भुगतान भी नहीं किया गया था। अधिकारियों ने गोहाना में फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। कुरुक्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय हाईटेक होंगे। जिला उपायुक्त ने ई ऑफिस के जरिए पीएलए कार्यालय की पहली फाइल निकाली। कार्यालयों की पुरानी और नई फाइलें 25 दिसंबर से ई ऑफिस से चलेंगी। जिला उपायुक्त ने कहा कि कुरुक्षेत्र के सभी कार्यालयों की पुरानी और नई फाइलें 25 दिसंबर को सुशासन दिवस से ई ऑफिस से ही चलेंगी। सभी विभागों के अधिकारी ई ऑफिस से फाइलों को मूव करने की सभी तैयारियां पूरी कर लें। उपायुक्त ने बताया कि कुरुक्षेत्र के सभी कार्यालय ई ऑफिस बनकर पेपरलेस बनेंगे। सरकारी कार्यालयों में पूरा डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा और क्लिक करते ही हर फाइल मुख्यालय में बैठे अधिकारी के सामने होगी। बल्लभगढ़ के गांव मिर्जापुर में युवक ने सरेआम गोली चला दी। युवक का गोली चलाते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया। युवक के पड़ोसियों से कहासुनी हो गई थी। वहां पर मौजूद लोगों ने युवक का गोली चलाते हुए वीडियो भी बनाया और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। करनाल के गांव अरसाना में आपसी रंजिश के चलते युवक की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। 14 नवंबर को युवक पर हमला किया गया था। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने दो युवकों पर हमला किया था, जिसमें से एक 17 साल के युवक की पहले ही मौत हो गई थी। दूसरे युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। घरौंडा में नेशनल हाईवे पर दिल्ली की तरफ जा रहा भारत पेट्रोलियम का गैस टैंकर ओवरब्रिज से सर्विस रोड पर जा पलटा। सर्विस रोड पर जा रही एक कार टैंकर से बाल बाल बची। गनीमत यह रही कि टैंकर में गैस मौजूद नहीं थी। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा की पहल पर 50 बच्चों को फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए गए। महामारी के चलते काफी समय से फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग पड़े हुए थे। इसी तरह से 50 के ग्रुप में ही सर्टिफिकेट आगे भी जारी रहेंगे। कोरोना नियमों का पालन करते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सर्टिफिकेट वितरित किए गए। भारती सिंह और हर्ष लिंबिचिया को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा है।
भारती और हर्ष ने कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी डाल दी है, जिसकी सुनवाई सोमवार यानी कल होगी। दोनों की सुनवाई पर कोर्ट सुनवाई करेगा। भारती और हर्ष के घर पर रेड मारी गई थी और जिसमें उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि एनसीबी अधिकारियों संग पूछताछ में हर्ष और भारती ने ड्रग्स लेने की बात को स्वीकार कर लिया है। कोरोना संकट के बीच शुरू हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कोरोना के बाद भी दुनिया के लिए एक नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया, जिसमें चार प्रमुख तत्व शामिल किए गए। सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बाद दुनिया के लिए हर एक नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया, जिसमें चार प्रमुख तत्व शामिल बताए गए। इसके आधार पर G20 नई दुनिया एक नई दुनिया की नींव आगे रख सकता है। भिवानी के बोर्ड नंबर 15 के निवासी सीवरेज लाइन पानी की लाइन और गंदगी के अंबार से परेशान है और इसी से परेशान वार्ड नंबर 15 के निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि सीवरेज की लाइन 40 साल पुरानी है, जिसके चलते यहां के सीवरेज गंदगी से अटे पड़े हैं और ओवरफ्लो होकर के गंदगी फैलाते हैं। जब पार्षद से समस्या के समाधान की मांग की गई तो पार्षद ने दो टूक जवाब दे दिया। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में नंदीग्राम गौशाला में पूजन करके गायों को गुड़ खिलाया। कहा कि गौ माता की सेवा करने से बड़ा धर्म और कोई नहीं। नंदीग्राम गौशाला के प्रधान सहित सभी भक्तों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि गौवंश के लिए गौशाला में अब पक्के शेड बनवाएंगे ताकि उन्हें तकलीफ न हो। हरियाणा से पंजाब लाई जा रही यूरिया को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बरामद किया है। यूरिया की बोरियों को ट्रक में लाद करके ले जाया जा रहा था, ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया। अमृतसर निवासी आरोपी जबनप्रीत सिंह को कृषि विभाग ने 300 यूरिया बोरियों के साथ पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई थी। रादौर के गांव दामला के पास हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो की एक बस में अचानक एक यात्री के चलती बस में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान करनाल के सेक्टर के निवासी के तौर पर हुई। बस ड्राइवर यात्री को सरकारी हॉस्पिटल लेकर के गया ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिरसा में पराली जलाने के मामलों में पिछले साल की अपेक्षा इस बार 50% की कमी आई है। जिले में अब 240 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। इनमें से 208 मामले 5,42,000 रुपए के जुर्माना किया गया है। 32 मामले अभी भी पेंडिंग है, जिन पर शीघ्र कार्रवाई होगी। दरअसल पराली जलाने से AQI लेवल बढ़ जाता है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है और आंखों में जलन की समस्या बढ़ जाती है। सरकार प्रशासन के प्रयासों के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आधे रह गए हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो जिले में पराली जलाने के 495 मामले सामने आए थे, जिनमें से 110 किसानों पर केस भी दर्ज किया गया था। 215 किसानों को 6,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अगस्त को गांव भैंसवाल कला में अरुण नामक युवक की लगभग 10 लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी और इसी हत्या में पुलिस ने पहले दो को गिरफ्तार कर लिया था। देर रात 3 और हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर नॉर्थ स्थित कृष्णा गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही साथ हवन करके इस महामारी का अंत जल्द हो यह भी कामना की गई। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता नवीन गोयल ने भी शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग गौशाला पहुंचे और उन्होंने गौ माता के दर्शन किए। पलवल में 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि नसबंदी में पुरुषों की भागीदारी के लिए एक मुहिम चलाई गई। पानीपत के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव कई दिनों बाद सोनीपत के खुबड़ू झाल में मिला और NDRF टीम और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया। डेड बॉडी मिलने की जानकारी देते हुए गन्नौर DSP जोगेंद्र राठी ने बताया कि पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव खुबड़ू झाल में मिला है। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
पलवल के रहने वाले ज्ञानचंद गोयल अपनी घर की छत पर हरी सब्जी तक की खेती कर रहे हैं। घर की छत पर मूली, शलगम, गाजर सहित अन्य सब्जियां उगाई गई। इस खेती से प्रभावित होकर के दिनेश कुमार ने फैसला किया कि वे भी इसी तरह सब्जियां उगाएंगे, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छी किस्म की सब्जी परिवार को मिल सके। यातायात थाना पुलिस ने रोड़ी बाजार स्थित क्षेत्र में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे, साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित भी किया। बाजारों में बिना मास्क मिले 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान यातायात थाना पुलिस ने काटे। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने खुद बाजार में मोर्चा संभाला। अंबाला में ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी अंबाला की मीटिंग हुई, जिसमें बढ़ते कोरोना और बाजारों में इंक्रोचमेंट रोकने की लेकर के कई चर्चा हुई। ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला ने कहा कि बाजार में सभी लोग मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इसके प्रति व्यापारियों को भी जागरूक किया गया है। फतेहाबाद में दिल्ली कूच से पहले पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। किसान नेताओं का कहना है कि हर हाल में होगा दिल्ली का घेराव, सरकार कोरोना का डर दिखाकर किसानों को डराने का कर रही है प्रयास। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सरकार पंजाब में यूरिया नहीं दे रही है, हरियाणा में भी किसानों को यूरिया ब्लॉक में मिल रहा है। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारी जान से खेल करके सीवरेज में सफाई के लिए उतर रहे हैं, सरकार द्वारा किए गए सभी वायदे जमीनी स्तर पर हवाई भी दिखाई दे रहे हैं। बहादुरगढ़ में ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, विभाग द्वारा ठेकेदारों को हिदायत दिए जाने के बाद भी कर्मचारियों को बिना सेफ्टी उपकरण के सीवरेज में उतारा जा रहा है। अंबाला में एक बार फिर लगातार बढ़ रहे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है। गृहमंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद बाजार में बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनके चालान काटे गए। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, तो वहीं चालान भी किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच गोहाना बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई दिखी। बसों से उतरने वाले लोगों ने ना ही मास्क लगाए हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही थी। गोहाना के गांव में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरी बार परीक्षा में फेल होने पर आत्महत्या कर दी। घर पर पंखे से पंदा लगा करके परेशान छात्र ने अपनी जान दे दी। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस भी बेहद सतर्क नजर आ रही है। पुलिस की टीम ने शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसको जागरूक कर उसका चालान भी काटा जा रहा है और साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 2,666 नए केस मिले हैं, 25 मरीजों की जान चली गई है। कुल आंकड़ा 2,15,000 के पार हो गया है। अब एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। गुरुग्राम में 939 नए मरीजों की पहचान हो गई है, 3 मरीजों की जान चली गई है। टोटल केस 47,000 के पार है। सिरसा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 99 पर पहुंच चुका है। वहीं 47 मामले भी सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश के लिए जयपुर समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी डबल कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक साथ समूह में नहीं रह सकेंगे। रैली, जुलूस, जनसभाएं और सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसी जरूरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। देश में 24 घंटे में 45,301 नए केस मिले हैं, 499 मरीजों की मौत हुई है, 90,95,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 5,879 नए केस और 111 लोगों की हुई मौत, 39,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 62 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 46,573 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 1,663 नए केस, अब भी 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल और एक दिन में मिले 2,235 नए केस, अब तक 4,93,228 से ज्यादा मरीज हुए थे।
राजस्थान में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 3,000 से ज्यादा नए आए केस सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,40,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,160 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,61,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,84,00,000 के पार, अब तक 13,86,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, पूरी दुनिया में अब 1,66,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,24,00,000 के पार, अब तक 74,03,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,69,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान, कुल मरीजों की संख्या हुई 60,52,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कुल मरीजों की संख्या 20,64,000 के पार पहुंच चुकी है।